Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। स्वागत करते हैं आप सभी का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका 1:30 बजे का स्पेशल इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके अवेयरनेस शो। तो रात को 12 बजे हम लोग बेस्ट 200+ करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी SSC, रेलवे, बैंक्स, LIC, NICL सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके लेके चल रहे, क्योंकि कोई एग्जाम हो जो स्टैटिक जीके के बिना कंप्लीट नहीं होता। स्टैटिक जीके पढ़ने का एक फायदा और है कि ये कभी चेंज नहीं होता, तो एक बार पढ़ लिया तो हमेशा काम आने वाली चीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके MCQs बेस्ड हम लोग लेके चल रहे हैं चीजों को, ठीक है। और उसके बाद तो हम लोग इंश्योरेंस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी, विद कॉन्सेप्ट हम लोग चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे MCQ बेस्ड पे रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों की। यानी आपकी पब्लिक डिमांड थी कि सर स्टैटिक जीके की क्लास होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर तो हम लोग GA पावर कैप्सूल से भी पढ़ लेंगे प्ले लिस्ट में जा करके। और रात में हम लोग 12 बजे जो करंट अफेयर पढ़ रहे सर वहाँ भी पढ़ लेंगे, आप हमें थोड़ा स्टैटिक जीके कवर करवा दीजिए। तो बिल्कुल हम लोग आपकी डिमांड पर यहाँ पर स्टैटिक जीके ले गए। तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, फटाफट जो है कि सेशन को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल चंदन, सौम्या, योगेश, प्रीति, ज्योति, सत्यवीर सभी लोगों को जो है कि प्यार भरा नमस्कार। तो आइए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अच्छा, ये जो 1:30 बजे वाली क्लास है, ये जो 1:30 बजे वाली क्लास है, इसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके लेके चल रहे हैं। और रात को 12 बजे वाली क्लास में, यानी बिल्कुल सोना मना है, सिलेक्शन लेना है इस बार, इसलिए सोना मना है, अपने सपनों को पूरा करना है तो सोना मना है। तो रात को 12 बजे हम लोग बेस्ट 200+ करेंट अफेयर्स भी लेके चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको भी लगातार लाइव देखना है, क्योंकि लाइव में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, डाउट भी सॉल्व करते हैं। अब आइए फटाफट हम लोग अपना टाइम ज्यादा न लेते हुए एक अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, और आपका स्कोर बताते रहिएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो। सारे क्वेश्चन को टोटल करके आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि मैंने कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और यहां पर आप लोग अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल राहुल जी, तुरंत शुरू हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस यहां पे क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कीजिए। बिल्कुल निशा, गुड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अविका, बिल्कुल अभिषेक यादव जी, ये क्लास डेली होती है 1:30 बजे, बिल्कुल डेली 1:30 बजे स्टैटिक जीके की क्लास, क्योंकि रेलवे के एग्जाम भी लाइनअप है, रेलवे NTPC के, तो वहां भी ये काम आने वाला है। SSC CGL का भी पेपर जो है कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो वहाँ भी काम आने वाला है। IBPS PO के भी एग्ज़ाम आ गए हैं, और IBPS क्लर्क के भी एग्ज़ाम आ गए, तो सब कुछ के लिए, और LIC के लिए तो ये बेस्ट है ही। तो ये सारे एग्ज़ाम को कवर करने वाला है ये सेशन, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिल्कुल फटाफट अब आप लोग यहाँ पे अपना आंसर करना शुरू कीजिए, यहाँ लोगों ने आंसर भी करना शुरू कर दिया है, और ज़्यादातर लोग जो यहाँ विजया बैंक पे जो है कि कर रहे हैं ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि क्या है, और मैं ट्रिक भी बता दूंगा, मैं आपको यहाँ पे इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जो लोग दिक्कत में हैं, जो लोग गलत ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत ऑप्शन टिक कर रहे हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। और इसका आंसर है आंध्रा बैंक, क्लियर है आंध्रा बैंक। देखो अभी बैंक मर्ज नहीं हुए हैं, बैंक मर्ज होंगे 1 अप्रैल 2020 से, तो तब तक तो ये सारे बैंकों के टैगलाइन पूछ सकता है ना, पूछता ही है। तो आपको ये याद रखना, आप ट्रिक क्या है, यहां देखो आंध्रा बैंक, आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी, हैदराबाद हुआ करती थी, तो देखो हैदराबाद अब तो तेलंगाना की राजधानी होगी, लेकिन आंध्रा बैंक तो पहले से है, तो आंध्रा बैंक का हेड ऑफिस हैदराबाद में। अच्छा, अब देखो एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ज्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस,
देखो जीए पढ़ने की आसान सी ट्रिक है कि यूनिक वर्ड पकड़ो। मान लो नोबेल प्राइज के विनर्स तुम पढ़ रहे हो तो यूनिक वर्ड उसमें पकड़ो जो यूनिक है, जो तुम इजीली याद कर सकते हो, और उस यूनिक वर्ड को क्वेश्चन के साथ मिला दो और एक रिलेशन बना दो जिससे जिंदगी भर वो चीज याद रहे, और उसी को तो ट्रिक कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये ट्रिक खुद से तुम बनाने लगोगे, मैं ट्रिक बनाने की ट्रिक बता रहा हूं तुमको। तो बस अब यहां पे यूनिक वर्ड क्या है, यहां पे यूनिक वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों फोकस। क्या है यूनिक वर्ड? फोकस। और फोकस की जरूरत किसे होती है? फोकस की जरूरत होती है अंधे को। फोकस की जरूरत होती है अंधे को। तो बिल्कुल अंधे से क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंध्रा बैंक। तो बस फोकस को आंध्रा से मिला दिया और ये ट्रिक तैयार हो गई। और अब आप लोग जो है बिल्कुल शशांक दत्त कह रहे सर आप बहुत पंक्चुअल हो। सर बिल्कुल, रात को 12 बजे तो 12 बजे शो शुरू, दिन में 1:30 बजे तो 1:30 बजे शो शुरू, बिल्कुल पंक्चुअल हूं। तो आपको भी पंक्चुअल होना है, फटाफट शेयर कर दो यार, पसंद आया अगर सेशन, मजा आ रहा है तो लाइक भी करते चलो, लाइक थंब दबाते चलो और शेयर करते चलो, अपने सारे दोस्तों को बुलाते चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश की अब कैपिटल अमरावती हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्ष कुमार जी। और वहीं पे 25वां हाई कोर्ट भी बना है। तो याद रखिएगा, अब अगर कोई पूछ ले कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में तो 25 हाई कोर्ट है। क्लियर है? बिल्कुल। तो मजा आ गया। तो देखो अभी तक तुम लोग विजया बैंक टिक कर रहे थे, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि ये आंध्रा बैंक की टैगलाइन है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिसलेनियस स्टैटिक जीके है, हर सेगमेंट को मैंने पकड़ा है, चाहे वो हेडक्वार्टर हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो जनगणना हो और चाहे वो टैगलाइंस हो, बिल्कुल है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल अब आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ लोकेटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बिल्कुल जहां कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है। तो बिल्कुल यहां पे जो है आप लोग को फटाफट बताना है। भारत अधिकारी कह रहे सर नाइट में 1 बजे से जो कैप्सूल डिस्कशन रखो, 12 बजे वाले शो में मजा आ जाता है। बस भारत अधिकारी जी आप के लिए ही मैं रात को 12 बजे तक जग के 1 बजे तक मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो बस आप लोग अपने गुरु की मेहनत को समझो और ये मेहनत बस आपके लिए की जा रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अड्डा 24/7 का मिशन है सिलेक्शन कराना है गरीब से गरीब बच्चों का, जिन जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको ऑनलाइन पाठशाला हम लोग का देने का लक्ष्य है। इस मिशन में आपको जुड़ जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को जोड़ना है, सब्सक्राइबर्स जोड़ने हैं, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए। अब आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल दी हेग में है। और दी हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। पेरिस वाला हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। जेनेवा के हम लोगों ने ट्रिक्स बताए थे कि 8 ऑर्गेनाइजेशन, तो कल का जो देख लेना, 8 ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ट्रिक से जो है कि सॉल्व हो जाते हैं, 8 ऑर्गेनाइजेशन याद हो जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता है या इंटरनेशनल शुरू होकर ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता है उसके हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में होते हैं। अभी बात करेंगे जेनेवा पे आगे चल के भी। अभी अब रोम में क्या है? FAO का मुख्यालय, FAO। और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का है और यूनाइटेड नेशन के बच्चे का है, ये भी कल हम लोग ने डिस्कस किया था। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का भी मुख्यालय वहीं पर है, बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज हेमिस नेशनल पार्क? हम लोगों ने बात किया था कि सर आप, मैं आप लोगों को नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा या कोई भी हेडक्वार्टर पढ़ाऊंगा उसकी ट्रिक्स जरूर कुछ ना कुछ बताता चलूंगा। तो वेयर इज हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड? हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब आपको यहां पे आंसर बताना है। आदर्श तिवारी सर प्लीज कंटिन्यू क्लास कराइए LIC असिस्टेंट का एग्जाम तक। बिल्कुल आदर्श तिवारी जी, LIC के एग्जाम तक कंटिन्यू क्लास चलेगी, 1:30 बजे स्टैटिक GK क्लास चलेगी, 12 बजे करंट अफेयर की क्लास चलेगी रात को। तो बिल्कुल अब आप लोग को यहाँ पे बताना, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब ये कहाँ पे है ये आप लोग को बताना है। और यहाँ पे बहुत गलती होने वाली है, मैं अभी से बता दूं, चैलेंज देता हूं कि इस ऑप्शन में गलती होगी आप लोगों से। और क्यों होगी? बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का इसमें सबसे हॉट मुद्दा है। 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया, तो पहले आप लोग टिक करते थे
कि हेमिस नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अब देखो 31 अक्टूबर के बाद जो एग्जाम होंगे नेशनल यूनिटी डे के बाद, सरदार पटेल के बर्थडे के बाद, जब ये लागू हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू एंड कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, दोनों डिवाइड हो गए, तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा लद्दाख में है, लेह में है। तो लद्दाख में जो है कि ये हेमिस नेशनल पार्क है। अब आपको बात समझ में आ रही है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो लेजिस्लेचर वाला जो है बन रहा है यूनियन टेरिटरी, और जो है लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर वाला बन रहा है, इसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा, ये होगा पुडुचेरी चंडीगढ़ लक्षद्वीप की तरह लद्दाख, और जम्मू कश्मीर ये जो है चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तरह होगा लद्दाख, और जम्मू कश्मीर पुडुचेरी और दिल्ली की तरह होगा विधानसभा वाला, लेजिस्लेचर वाला, यानी यहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे जम्मू कश्मीर में। तो क्लियर है, 370 हट गई है, आर्टिकल 35A भी हट गया, जिसमें कि अब 35A हटने से सभी नागरिक भारत के जाके जम्मू कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। ये 35A की जो है कि हटने से हुआ है, 370 के हटने से नहीं। तो दोनों के अलग अलग क्लॉज है, वो भी याद रखिएगा आप लोगों के। तो सिटीजनशिप वाला किस आर्टिकल में था, जम्मू कश्मीर को जो विशेष प्रावधान देता था, वो आर्टिकल 35A था जो 1954 में आया था। क्लियर है, तो यहाँ पे आइए चलते। अच्छा, ट्रिक भी बता दिया जाए, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क याद करने की आपको ट्रिक्स भी बता दी जाए, है ना, क्या कहते हैं आप लोग, बता दिया जाए। बहुत बढ़िया, जीसी मुर्मू जो है वहां के गवर्नर भी बन गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आइए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, है ना, ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है, अब देखो ट्रिक क्या है कि सलीम ने डाची गांव में किश्त पर एक होम खरीदा। सलीम ने डाची गांव में किश्त पर एक होम खरीदा। अब ये ट्रिक है, इसको इससे सारे जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के तुम्हें जो है कि नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। इसमें से हेमिस वाला तो लद्दाख में चला गया, होम से हेमिस हो जाएगा। और सलीम से क्या हो जाएगा, सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा, सलीम अली बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे, तो एक चीज याद रखिएगा कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क वो जम्मू एंड कश्मीर में है, डाची गांव नेशनल पार्क। तो एक ये याद हो गया, एक ये याद हो गया, और एक किश्त से क्या हो जाएगा, किश्त से हो जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तो ये ट्रिक से आपको जम्मू कश्मीर के सारे नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। ये ट्रिक कैसी लगी, अगर मजा आ रहा ना दोस्तों तो लाइक्स बढ़ाते चलो, शेयर करते चलिए। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसलिए हैं, यहां से ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्यों हैं, क्योंकि इनके एयरपोर्ट्स के नाम हाल ही में चेंज हुए हैं, न्यू चेंजेस हैं ये नाम्स में, तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आ सकता है, और ये स्टैटिक तो बन ही गया, तो स्टैटिक तो ये बन ही गया। अब आपको फटाफट बताना है, क्लियर, फटाफट बताइए अब आप यहाँ पे कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहां स्थित है। बिल्कुल विपुल कह रहे हैं सर, बहुत अच्छी ट्रिक है। लद्दाख के गवर्नर है राधा कृष्णन बन गए हैं, राहुल शिवम बता रहे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया निशा जी, हाँ सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में, बिल्कुल। अब यहां पे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम किस, भाजपा की सरकार वहां 25 साल बाद बनी, कम्युनिस्टों की सरकार वहां पे गिरी और उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, बिल्कुल ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो तीन तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 2 किलोमीटर दूर है, और त्रिपुरा से में अगरतला एयरपोर्ट का नाम वो महाराजा वीर विक्रम साई एयरपोर्ट रखा गया, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट रखा गया। मयूर 79 जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने एयरपोर्ट चेंज हुए हैं नए नाम वाले, उन्हीं पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए ये आपके लिए करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये स्टैटिक जीके आपके लिए बनता है,
बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके ही आपके लिए बन जाता है। अब आपको यहाँ पे बस बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पहले प्रधान जो है भाजपा के प्रधानमंत्री थे, भाजपा की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया तो किस एयरपोर्ट का नाम जो है उनके नाम पे रखा गया। देखो एक एयरपोर्ट बन रहा है देवघर में, झारखंड में, झारखंड में एक देवघर एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही नाम पे रखा जाएगा। तब तक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जब तक आपका आंसर आता है यहाँ पे, है ना। अच्छा एक जो है भोपाल में जो है, यानी मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल में, उसमें हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ये भी स्टैटिक जीके याद रखिएगा, उसका भी नाम अटल जी के नाम पे उस इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा जा रहा है ना, बिल्कुल। अच्छा एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है यूपी में जिसका नाम अटल पथ रखा गया है ना। अच्छा अटल जी जो है लखनऊ के संसदीय क्षेत्र से थे, लखनऊ से एमपी चुने जाते थे, इसलिए लखनऊ में जो हजरतगंज चौराहा है उसका नाम भी अटल चौक रखा गया, और वहां का जो इकाना स्टेडियम है जो एक नया क्रिकेट ग्राउंड बना पिछले साल, उसका भी नाम अटल जी के नाम पे रख दिया गया है। क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां पे आंसर आने लगे हैं। दुर्गा केसरी करे यस सर आई एम फ्रॉम देवघर, तो देवघर में कोई एयरपोर्ट बन रहा है दुर्गा, तो उसका नाम रखा जा रहा है अटल जी के ही नाम पे। अब यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर जो बनता है वो बनता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट का नाम, अच्छा देहरादून एयरपोर्ट का नाम पहले क्या था, तो अंग्रेजों के जमाने से नाम था यहाँ पे जॉली ग्रांट, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इसका पुराना नाम है, तो ये याद रखिएगा। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अब बदल करके क्या हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट हो गया है। इसलिए यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी है दुर्घटना घट जाएगी स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत तेजी से बदल गए हैं और आपसे अब पूछ लिया जाएगा। आप पुरानी किताब से पढ़ रहे हो, पुराने वीडियो से देख रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक और एयरपोर्ट का नाम हाल ही में चेंज किया गया और उसका नाम है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। और वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट किस जगह पे है ये आप लोगों को फटाफट बताना है। फटाफट बताइए कि वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहां पे। बहुत बढ़िया, बिष्ट, रोजा, सौम्या, अविका, सुदीप, नेहा, निशा, दुर्गा, विपुल, बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही है, देख के मन खुश हो जाता है। लाइव जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और यहाँ पे आप लोग फटाफट बताइए वीर सुरेंद्र साई, ये भी नया नाम है, ये देखिए बिल्कुल इसका आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा में जो है क्या कहते हैं, झारसुगड़ा, झारसुगड़ा एयरपोर्ट हुआ करता था जिसका नाम वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट रख दिया गया है। तो बिल्कुल उड़ीसा में ही जो है बीजू पटनायक एयरपोर्ट भी है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में बीजू पटनायक, नवीन पटनायक जी के पिताजी, बीजू जनता दल के अध्यक्ष हैं नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं, जिन्होंने अपने सचिवालय का नाम लोकसभा भवन कर दिया, उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिल गया है, और उड़ीसा में इस समय उनकी सरकार चल रही है, उड़ीसा में सबसे कम उम्र की एमपी भी चुनी गई है जो कि एक इतिहास बन गया, 25 साल की उम्र में उन्होंने सांसदी का चुनाव जीत लिया, और वो मुर्मू, चंद्रानी मुर्मू शायद उनका नाम है। तो बिल्कुल यहां पे फटाफट ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे लेते रहिए। बिल्कुल सारे नेशनल पार्क को याद कराने की ट्रिक मैं बताते चल रहा हूं साई यादव जी, बस आपको शो में बने रहना है। पिछले 3 सेशन हो चुके हैं, वो दोनों सेशन आप देखोगे, आपको हर राज्य के लिए नेशनल पार्क की मैं ट्रिक बताते चल रहा हूं। आज एयरपोर्ट को भी मैं इतना तुम्हें रिलेट करके याद करा दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा। अब आइए अगले, ये भी नया चेंज हुआ है, इसमें भी नया चेंज हुआ है, ये भी ट्विस्ट है इसमें भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहां स्थित है ये आपको फटाफट बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहां स्थित है फटाफट बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहां स्थित है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जहां जन्म स्थली है आगरा से मथुरा के बीच में, तो बिल्कुल वहीं आगरा एयरपोर्ट का नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल यहां पे ऑप्शन बनता है यूपी, तो बिल्कुल यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं
तो याद रखिएगा, आगरा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, है ना, योगी आदित्यनाथ। और यूपी में जो गवर्नर है, राज्यपाल भी याद रखना होगा, आनंदी बेन पटेल है। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब पंजाब में कौन है? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर है वीपी सिंह बडनोर, वीपी सिंह बडनोर। और गुजरात में कौन है? गुजरात में है विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। और जम्मू कश्मीर की तो अभी हम लोग ने बात की ही है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज सिमलीपाल नेशनल पार्क सिचुएटेड? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और यहां भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, एक बार जहां आपने जो है सही राज्यों के नाम बता दिए, सही स्टेट बता दिया, तो बस मैं तुरंत जो है आप लोगों को यहां पे ट्रिक बता दूंगा कि उस राज्य के नेशनल पार्क याद कैसे किए जाए, सभी के सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। विक्रम कोशिया जी यहां एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सर चेनानी नासरी, बहुत बढ़िया, एक स्टैटिक जीके बता रहे, चेनानी नासरी टनल। देखो ये भी स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, अगर पुरानी बुक से पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। पूछ लिया अगर एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग का नाम बताइए, तो भारत की सबसे बड़ी टनल जो है वो किताबों में लिखा होगा जवाहर टनल, जवाहर सुरंग जो जम्मू कश्मीर में, लेकिन उससे भी बड़ा टनल बन चुका है जम्मू कश्मीर में, और वो 9.2 किलोमीटर का बन चुका है, उसका नाम है चेनानी नासरी, जो चेनानी और नासरी को जोड़ेगा, जिससे कि जो कारगिल ले वाला इलाका है वो जो बर्फ के दौरान, ठंड के दौरान कट जाता था, अब वो नहीं कटेगा, अब 12 महीने की कनेक्टिविटी बना देगा ये टनल। तो इस ये टनल अब सबसे बड़ा टनल है, और इस टनल का नाम अभी जो है सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ये भी याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही व्यक्ति थे, आजाद भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, जिन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इसलिए जो है कि इस्तीफा दिया कि कश्मीर में अलग प्रधान क्यों है, अलग वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अलग विधान क्यों है, अलग झंडा क्यों है, उस वहां पे हम लोग पर्ची कटा के क्यों जाते हैं, परमिट लेके क्यों जाते हैं। इन्होंने कहा मैं बिना परमिट के जाऊंगा, इन्होंने ही परमिट राज कश्मीर में खत्म किया। खैर ये वहां गए, वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौटे, इसलिए भाजपा वाले उनको शहीद का दर्जा देते हैं कि कश्मीर के इस आर्टिकल 370 के लिए इन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो इसीलिए 370 भी खत्म किया गया वहां पे, और इसके बाद इस टनल का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे रख दिया गया। तो ये टनल याद रखिएगा सबसे बड़ी टनल है। इसी तरीके से अगर सबसे बड़ी हम लोग बात कर लें रेलवे ब्रिज की, तो उसका नाम है बोगी बिल ब्रिज। सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो कौन सा है? बोगी बिल ब्रिज। अगर आप पुरानी किताबों से पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं महात्मा गांधी सेतु टिक करके आ जाएंगे, जो कि पटना में है। तो बिल्कुल यहां पे बस आपको ध्यान देना है कि बोगी बिल ब्रिज जो कि आसाम और अरुणाचल को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश जिसको चाइना जो है कब्जा करना चाहता है, उसको तिब्बत का हिस्सा बताता है, दक्षिणी तिब्बत कहता है, तो उस अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से ये जो है ब्रिज बनानी बहुत जरूरी थी, जो अटल जी ने 2003 में शुरू किया था, और वो अब जाके बनके तैयार हुआ, उसमें इतना लोहा लगाया कि 6 एफिल टावर उसमें बन जाए। तो बोगी बिल ब्रिज का उद्घाटन 25 दिसंबर को किया गया, जब अटल जी का बर्थडे होता है, जिस दिन को हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस ब्रिज का नाम अटल सेतु रख दिया गया। इस ब्रिज का नाम क्या रख दिया गया? अटल सेतु। तो अब यहां पे अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, और सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो वो अटल सेतु है। रेलवे ब्रिज याद रखिएगा, सबसे बड़ी ब्रिज का भी तो जिक्र ही नहीं किया हमने, सबसे बड़ी जो ब्रिज है उसका नाम क्या है, तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। वो भी असम से अरुणाचल में ही जो है कि बन रहा है, वो भी युद्ध की परिस्थिति के लिए ही बना हुआ है, ढोला सादिया ब्रिज। देखिए बोगी बिल ब्रिज तो 2 फ्लोर का है, ऊपर वाले फ्लोर पे से जो बस कार ये सब जाएंगी, नीचे वाली फ्लोर पे 2 ट्रैक है जो रेलवे जाएगी, है ना, वो तो बोगी बिल ब्रिज का है।
अच्छा युद्ध की स्थिति में उसमें फाइटर जेट प्लेन उतारे जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पे, लेकिन ये ढोला सादिया जो ब्रिज है ना, ये इतना ब्रिज, इतना मजबूत ब्रिज बनाया गया है कि इस पे से युद्ध की परिस्थिति में टैंक जा सकती है। जैसे बोगीबिल ब्रिज से तो इतनी कम दूरी हो गई अब कि 600 किलोमीटर पहले घूम के आर्मी को जाना पड़ता, लेकिन अब मात्र 5 किलोमीटर का एक ब्रिज बन गया और फटाफट आर्मी जो है ट्रेन से वहां पहुंच जाएगी। और यहां पे भी ये जो है करीब 9 किलोमीटर का ये ब्रिज बना है, ढोला सादिया ब्रिज। और ये सादिया गांव आसाम में है और ढोला गांव अरुणाचल प्रदेश में है। सादिया गांव, याद रखिएगा, सादिया गांव में ही आसाम के सिंगर भूपेन हजारिका जी का जन्म हुआ था और उनको इस बार भारत रत्न भी दिया गया और इन्हीं के नाम पे इस ब्रिज का नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है। क्या नाम रखा गया मेरे प्यारे बच्चों? भूपेन हजारिका ब्रिज। आसाम के सिंगर है भूपेन हजारिका जी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल। अब यहां पे याद रखो, भारत रत्न इस बार 3 लोगों को दिया गया है। एक तो कांग्रेस के जो है कि रहे बहुत बड़े नेता, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी प्रणव दा को भारत रत्न दिया गया। दूसरा भूपेन हजारिका जी को दिया गया, जो आसाम के जो सिंगर है जिनकी डेथ हो चुकी। और एक जो है आरएसएस के विचारक सरस्वती शिशु मंदिर और बहुत सारे उन्होंने ऐसे विद्यालयों की स्थापना की, नई शिक्षा जो है कि का प्रसार किया जो है, उनको दिया गया नानाजी देशमुख को। तो तीसरा भारत रत्न इस बार किसको दिया गया था? नानाजी देशमुख को दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब ब्रिज से पूछ लेता है कि ब्रिज किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, बोगीबिल यानी अटल सेतु तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भाई आसाम के साइड में वही ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये चाइना से आती है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लेकिन ढोला सादिया जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी पर है, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर है, लोहित रिवर पर। ये लोहित नदी पर है, लोहित रिवर पर। याद रखिएगा, अटल सेतु बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र पर, लेकिन ये लोहित रिवर पर। आई होप कि आपको यहां पे बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल यहां पे इसका आंसर हम लोगों को जो है, अच्छा सिमलीपाल की हम लोग बात कर रहे थे, आपने ऐसे ही छेड़ दिया। सिमलीपाल की हम लोग बात कर रहे थे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा की ट्रिक याद करके सारे के सारे हम लोग नेशनल पार्क याद कर लेते हैं उड़ीसा का। तो याद रखिए, एक ट्रिक बनाते हैं हम लोग जिसमें सारे नेशनल पार्क हो जाए। सिमली छिलके के भीतर की कणिका खाकर उड़ गई। तो बस अब यहां उड़ गई से क्या हो जाएगा? उड़ गई से याद रहेगा कि ये उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं, और सिमली से क्या हो जाएगा? सिमलीपाल नेशनल पार्क हो जाएगा। एक याद हो गया। दूसरा, छिलके के भीतर की, तो चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का लेक पक्षी बिहार उड़ीसा में ही है। चिल्का लेक का एक दूसरा स्टैटिक फैक्ट भी याद है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इंडियाज लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ताजी पानी की झील, वो वूलर लेक है। वो कौन सा है? वो वूलर लेक है, जो कि कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। बात समझ में आ रही है? जो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर है, मेरी बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। तो अब यहां पे भीतर कणिका, तीसरा भीतर कणिका नेशनल पार्क। तो बस आपको ट्रिक क्या देना, सिमली छिलके के भीतर की कणिका खाकर उड़ गई। 3 नेशनल पार्क उड़ीसा के एक बार में इनकाउंटर हो गया, पूरा का पूरा साफ हो गया। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहां भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैंने खोज खोज के क्वेश्चन तुम लोग के लिए बनाए हैं, कहां कहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो, कहां कहां तुम्हें प्रॉब्लम होती है, उसी हिसाब से। दिखने में इजी लगते हैं लेकिन इजी होते नहीं है। तो अब आपको बताना है कि किस बैंक की टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। बहुत बढ़िया, अमा घर एलईडी, ये जो है उड़ीसा की योजना है। स्नेहा डांगी बता रही, बहुत बढ़िया। वूलर लेक जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही। वूलर लेक जम्मू कश्मीर में, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पे देखिए दो तरीके के ऑप्शन आ गए, आईओबी आ गया, यूबीआई आ गया, इंडियन ओवरसीज बैंक आ गया और यूबीआई आ गया। देखिए ये भी ऑप्शन आ गया, ये भी ऑप्शन आ गया। मैंने कहा था ना कि मैं क्वेश्चन बड़ा खोज के लाया हूं, जहां आपको दिक्कत होती है, जहां आप कंफ्यूज होते हो। तो याद रखिए कि यूबीआई इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब याद करने की ट्रिक क्या है, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टैगलाइन आपको बस यूनिक वर्ड पकड़ना है, क्योंकि ऑप्शन तो एग्जाम में आएंगे, यूनिक वर्ड पकड़ना है। यूबीआई का जो है कि टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू बैंक विथ, क्या है, गुड पीपल टू बैंक विथ, यानी यहां पे यूनिक क्या है, बैंक है, यानी बाकी तो दोनों सेम है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। गुड पीपल टू बैंक विथ यूबीआई का है, तो यहां यूनिक वर्ड कौन सा है, ग्रो, और ग्रो जो है कि इसको जोड़ दो इंडियन ओवरसीज बैंक से। कैसे जोड़ोगे, ओवरसीज का मतलब होता है विदेश, बाहर, तो बाहर आदमी क्यों जाता है, विदेश आदमी क्यों जाता है बच्चों, ग्रोथ के लिए जाता है। तो कहां ग्रोथ है, ओवरसीज में ग्रोथ है, ओवरसीज में ग्रोथ है। तो जैसे ही तुम ग्रोथ को ओवरसीज में जोड़ दोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, यूनिक वर्ड पकड़ो क्वेश्चन के साथ मिला दो, यही होता है ट्रिक बनाने का, ट्रिक आज मैं आपको ट्रिक बनाने का ट्रिक सिखा रहा हूं। तो बिल्कुल अगर मजा आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो यहां लाइक और शेयर होते रहना मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल अब देखो तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे, गुड पीपल टू बैंक विद आएगा तभी तुम यूबीआई टिक करोगे, जहां ग्रो देखोगे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि नहीं ये तो ओवरसीज वाला होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक वाला होगा, है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा अब यहां पे आइए ट्रिक की बात करें, तो थोड़ी सी हेडक्वार्टर की भी ट्रिक कर ले, बैंकों के हेडक्वार्टर की ट्रिक कर ले, हम सब लोग जानते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी इंडिया पे खत्म होते हैं उन सभी बैंकों के हेडक्वार्टर कहां होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में होते हैं। कहां पे होते हैं, मुंबई में होते हैं, जैसे SBI, RBI, UBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, IDBI, और एक आध दो और जो छूट रहे होंगे, जैसे सेबी को भी ले सकते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे तो लास्ट में इंडिया है लेकिन वो बैंक नहीं है, फिर भी उसको इसमें एड अप कर सकते हैं। तो ये सबके हेडक्वार्टर कहां होंगे, ये सबके हेडक्वार्टर मुंबई में होंगे, क्लियर है मेरी बात, वेरी गुड। अच्छा एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो कौन सा है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वो कहां पे है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये कोलकाता में है, तो ये किसका एक्सेप्शन भी याद रखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर है, वेरी गुड। आइए अब जो दूसरी ट्रिक पे चलते हैं, एक और ट्रिक याद रखिए हेडक्वार्टर वाले की, जितने भी बैंक इंडियन से शुरू होंगे, जितने भी बैंक इंडियन से स्टार्ट होंगे उनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, उनके हेडक्वार्टर चेन्नई में होंगे, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे होंगे, चेन्नई में होंगे। जैसे इंडियन बैंक हो गया, एक इंडियन बैंक हो गया और एक इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, जिसकी अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की हेडक्वार्टर कहां हो गई, चेन्नई में हो गई। तो ट्रिक क्या है, जितने भी बैंक इंडियन से स्टार्ट होंगे उनके हेडक्वार्टर कहां होंगे, चेन्नई में होंगे। बताओ मजा आ रहा है, बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल यहां पे बताते चलिए। आइए तीसरे ट्रिक की ओर चलते हैं, थर्ड ट्रिक की ओर चलते हैं हेडक्वार्टर याद करने की, कि जितने भी बैंक पंजाब से स्टार्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बैंक पंजाब से स्टार्ट होंगे उनकी हेडक्वार्टर कहां होगी, उनकी हेडक्वार्टर होगी न्यू दिल्ली में। बात समझ में आ रही, उनकी हेडक्वार्टर होगी न्यू दिल्ली में। जैसे कि चाहे पंजाब एंड सिंध बैंक ले लो और चाहे PNB ले लो, PNB, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहां होंगे, तो इन दोनों के हेडक्वार्टर होंगे न्यू दिल्ली में। बताओ बात क्लियर हो रही है, वेरी गुड। आइए फटाफट अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहां भी ट्रिक है, यहां पे उस राज्य का आज मैं ट्रिक याद करा दूंगा, वेयर इज ब्लैक बक नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क इतना इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, बैंक, SSC, रेलवे, UPTT, CTET, IAS, PCS, स्टेट लेवल समीक्षा अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं जहां नेशनल पार्क ना आता हो। तो आज मैं ट्रिक से आप लोग को नेशनल पार्क याद करा दूंगा बच्चों। अब आइए फटाफट देख लेते हैं, काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, ये आप लोगों को फटाफट बताना है, फटाफट बताना है, और यहां पे देखते हैं आंसर क्या है, गुजरात। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप रिलेट करके याद रखो कि काला हिरण यानी ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में। तो इसको एक कहानी से जोड़ते हैं, सलमान खान की, काला हिरण को किसने मारा था, सलमान खान ने,
कि नहीं उसने सुसाइड कर लिया था, कोर्ट में तो यही साबित हुआ होगा। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे काला हिरण वाला जो है कि थोड़ा ट्रिक याद कर ले कि सलमान ने ब्लैक बक को, यानी काले हिरण को, ब्लैक बक के वंशज को गुजरात में मारा और वो गिर गई, और वो गिर गई, सलमान को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोर्ट से कुछ भी नहीं हुआ, तो सलमान को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखो, आपको चार ट्रिक, चार नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे, कौन कौन से, सलमान ने ब्लैक बक को मारा तो ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, काला हिरण नेशनल पार्क जो गुजरात में है, दूसरा ब्लैक बक के वंशज को मारा तो वंशज से हो जाएगा वंशदा नेशनल पार्क। अब देखो ये सारी चीजें मैं आज बता रहा हूं, मैं पूछूंगा अभी, मैं एमसीक्यू करता रहूंगा, तुम लोग से पूछता रहूंगा कि मेरे ट्रिक्स का से तुम लोग को चीजें याद रह रही हैं या नहीं रह रही हैं। तो दूसरा हो गया वंशदा नेशनल पार्क, तो वंशदा नेशनल पार्क कहां है, वो भी गुजरात में है, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है, और तीसरा हो गया गिर गई, गोली मारा गिर गई, तो गिर से क्या हो जाएगा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, तो गिर फॉरेस्ट, गिर के जंगल वो वहीं पे हैं। और तीसरा हो गया कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का रण जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे वेस्टर्न पार्ट है, उसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है, पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ जो है नेशनल पार्क है, ये समुद्री जीवों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है, इसलिए इसे मरीन नेशनल पार्क कहते हैं, मरीन नेशनल पार्क, समुद्री जली जीवों वाला। तो बिल्कुल ये कच्छ नेशनल पार्क भी गुजरात में, तो एक ट्रिक से आपने गुजरात के चारों नेशनल पार्क याद कर लिए, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कक्ष गधे वाला सोनम कह रही। आइए अब देखते हैं सेंसस 2011 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े आप जितनी बार भी पढ़िए, जितना पढ़िए उतना अच्छा है, क्योंकि इससे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, भारत की लिटरेसी रेट क्या है, ये आप लोग को फटाफट बताना है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट फटाफट बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। कल्पेश पवार बत पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि सर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में फर्क क्या है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आइए थोड़ा सा आप लोग के भी क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर लाइव सेशन में हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल ये मेरा कर्तव्य है कि आप लोग के क्वेश्चन को आंसर करना। तो रेपो रेट क्या होता है, सिंपल, जब RBI बैंक को लोन देता है, पैसे देता है, तो वो रेपो रेट पर देता है ना, वो ब्याज की दर है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा RBI में डिपॉजिट करता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट की दर पर ब्याज देती है RBI बैंक को। अच्छा, रेपो रेट को तुम लोन कह सकते हो, लोन कह सकते हो, क्योंकि बैंकों का बैंक है RBI, लेकिन रिवर्स रेपो रेट को तुम कभी लोन नहीं कह सकते हो, इसको तुम डिपॉजिट ही कहोगे। एक चीज इंटरव्यू के लिए याद रखना, कभी ये मत बोल देना कि रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज की दर है जिसपे बैंक RBI को लोन देता है, बैंक, किसी बैंक की इतनी हैसियत नहीं है कि वो RBI को लोन दे दे, एक बात याद रखना, वो बैंकों का बैंक है, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है, वो LOLR है, वो देश का आखिरी ऋणदाता है, किसी को लोन देता नहीं, कि सबको लोन देता है, किसी से लोन लेता नहीं है RBI। तो बात समझ आई, भारत सरकार भी उससे रिजर्व मांग रही है, 1,76,000 करोड़ रुपए उसको मिल गए, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको दूसरे एग्जांपल समझो, जैसे ये बैंकों का बैंक है, हमारा भी तो कोई बैंक होता है। अच्छा, मैंने अपने बैंक से पैसा उधार मांगा, तो मैंने मांगा ना, तो ये लोन कहा जाएगा। लेकिन मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, मैंने जाके 50,000 रुपए अपने बैंक के अकाउंट में जमा कर दिए, ब्याज तो तब भी हमें बैंक देगी, तो क्या हम लोग कल से ये कहना शुरू कर दे कि यार मैंने बैंक को 50,000 रुपए लोन दिया है, तो गलत हो जाएगा। लोन की पहली शर्त होती है कि वो बोरो किया जाता है, मांगा जाता है, बैंक ने आपसे मांगा नहीं है, आपकी मर्जी थी, आपके पास सरप्लस था, अधिक था, आपने जमा कर दिया, जब आपका मन करेगा ले लोगे।
तो आपने डिपॉजिट किया है, तो इसी तरीके से जो रिवर्स रेपो रेट है वो जब बैंकों के पास सरप्लस होता है तो डिपॉजिट कर देते हैं और ब्याज कमाते हैं, और रेपो रेट में क्या होता है कि जब बैंकों को जरूरत होती है तो वो मांगते हैं, और रेपो रिवर्स रेपो के बीच में कितना गैप चल रहा है इस समय, 0.25% का गैप चल रहा है, जिसको हम LAF कॉरिडोर कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो याद रखो कि ये 0.25% का भी गैप है, हमेशा चेंज होता रहता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्यों कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF के दो कंपोनेंट होते हैं, LAF के दो कंपोनेंट होते हैं। देखो जब लिक्विडिटी किसी बैंक के पास कम हो जाएगी तो रेपो पे लोन ले लेगा, और जिस बैंक पर लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी वो रिवर्स रेपो रेट पे ब्याज जो है RBI को दे देगा। इस तरीके से पूरे देश की लिक्विडिटी एडजस्ट हो जाती है रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू। तो बिल्कुल यहां पे जो है कि सबके आंसर भी आने लगे हैं कि रेपो रेट इस समय सर 5.15% चल रहा है। अब अगर आपसे रिवर्स रेपो रेट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, बताओ फटाफट, इसमें से 0.25% कम कर लो। तो 0.25% कम करने के बाद रीमा दत्ता जी बिल्कुल सही बता रही हैं कि 4.90% हो जाएगा। तो बिल्कुल रेपो रेट पे ही डिपेंड करता है रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट पे ही डिपेंड करता है बैंक रेट और MSF रेट भी, MSF रेट भी। बैंक रेट में और MSF रेट में क्या करना है, बस रेपो रेट में 0.25% बढ़ा लेना है। जितना आपने रिवर्स रेपो रेट में कम किया उतना ही रेपो रेट में बढ़ा लोगे तो बैंक रेट और MSF रेट प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 0.25% बढ़ा लोगे तो क्या आ जाएगा, 5.40%, और यही इस समय बैंक रेट और MSF रेट चल रहा है। क्लियर है, आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत की साक्षरता दर मेरे प्यारे बच्चों इस समय जो है वो है 74.04%, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्या है, डी ऑप्शन सही है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की, बिहार की है 61.80%। क्लियर है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर लिटरेसी रेट कहाँ की है, तो वो है केरला की, केरला की, और केरला की कितनी है, 93.9% या 94% भी इससे कह सकते हो। साक्षर किसे कहते हैं, लिटरेट किसे कहते हैं, जो 7 ईयर से अधिक का हो और अपनी भाषा में या किसी भी भाषा में वो अपना नाम लिख सकता हो, साइन कर सकता हो, तो उसे साक्षर मान लिया जाता है, और उसमें भी हमारी इतनी बुरी स्थिति है। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था, चलिए आइए आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता दें कि आप लोग अगर अपने किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अड्डा स्टोर पे चले जाइए या अड्डा के ऐप पे चले जाइए, वहाँ यहाँ आपके गुरुजी का कोड है Y162, ये कोड यूज़ करोगे तो बेस्ट डिस्काउंट में मिल जाएगा। SSC कोर्स खरीदोगे तो 50% तक डिस्काउंट है। देखो यहाँ पे IBPS PO मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, IBPS क्लर्क प्री का जो है क्रैश कोर्स चल रहा है, इंटरव्यू का क्रैश कोर्स चल रहा है, SSC CGL का, GA का जो है कि क्रैश कोर्स चल रहा है IBPS पीओ के लिए। अक्षय सर देखिए यहां पे मैथ्स पढ़ा रहे, सुमित सर का ये लक्ष्य का मैथ स्पेशल बैच है, ये धासु सर महाकाल सर का स्पेशल बैच है, ये सारे जो है बैचेस आप ले सकते हैं, जो कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं, SSC का, टीचर्स का, बैंक इंश्योरेंस का, SSC का, ये सारी चीजें भी आप ले सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए Y162 कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। देखिए 200-200 रुपए, 350-300 रुपए, 250-250 रुपए में आपको LIC का, SSC CGL का, आपका IBPS PO का, क्लर्क का, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बुक्स भी इसी स्टोर पे अवेलेबल है, एक से एक ऑफलाइन बुक्स आपके घर तक कुरियर करके मिल जाएगा, वो बुक्स भी एक से एक पजल की, DI की एक से एक बुक्स जो है अवेलेबल है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आइए फटाफट, बस आपको याद रखना Y162 कोड यूज करके डिस्काउंट लेना, यही आपके गुरुजी का कोड है। तो अब आपको यहां बताना है कि वेयर इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड, इसकी ट्रिक मैंने कल बताई थी, इसलिए आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही आंसर करोगे। फटाफट बताइए, क्लियर है, फटाफट आप बताइए कि यहां पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, फटाफट।
तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है हरियाणा। और कल मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने कल ट्रिक क्या बताई थी कि दो नेशनल पार्क हैं और सुल्तान, सलमान खान सुल्तान, तो सलमान खान जो सुल्तान बना था वो कहाँ का था, हरियाणा का ही तो था। तो मैंने कल क्या बताया था कि सुल्तान काले से हार के ना आना, तो मैंने बताया था ना सुल्तान से सुल्तानपुर हो जाएगा और काले से हार के मत आना, तो काले से क्या हो जाएगा, कालेश्वर नेशनल पार्क। तो दो नेशनल पार्क जो है आपके हरियाणा में है, जो आपको एक आसान ट्रिक से याद हो जाएंगे। मजा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक बढ़ाते चलिए, शेयर करते चलिए। तो यहाँ कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोनों कहाँ पे है, हरियाणा में। एक एक राज्य पकड़ पकड़ के याद करा दूंगा तुम लोगों को ट्रिक से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहां पे। अब आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज इंद्रावती नेशनल पार्क सिचुएटेड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यह भी मैंने आपको कल बताया था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। बिल्कुल सही करें शशांक दत्त, सोनम निम्बल, सब लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। फटाफट आपको बताइए, जितेंद्र विश्वकर्मा जी, करंट अफेयर्स की बेस्ट 200 प्लस करंट अफेयर्स हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं। रात को 12 बजे उसकी क्लास होती है, वो आपकी दो क्लास अगर मिस हो गई तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं, पुरानी क्लासेस दो दिन से चल रही है वो देख लीजिए। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, बिल्कुल कृतिका सही कह रही है कि गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हरियाणा में है। गोरखपुर वैसे तो यूपी में एक जगह है जहां से योगी आदित्यनाथ चुन के आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट वो यूपी टिक मत कर ना कभी, वो जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर वाला वो हरियाणा में है। क्लियर है? अब यहां पे आप लोगों को फटाफट आंसर भी करें, कल मैंने ट्रिक भी बताया था। अब बिल्कुल यहां पे आंसर है छत्तीसगढ़, बिल्कुल यहां पे छत्तीसगढ़ राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अच्छा छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। अब आप लोगों को ये बताना है मैंने ट्रिक क्या बताई थी। मैंने ट्रिक बताई थी कि गुरु घासीदास, गुरु घासीदास इंद्रावती को, इंद्रावती को चैटिंग करते देख एंगर हो गए। गुरु घासीदास इंद्रावती को चैटिंग करते देख एंगर हो गए, यही मैंने कल ट्रिक बताई थी आप लोग को। अब देखो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, अभी आपने देख भी लिया। और चैटिंग से क्या हो जाएगा, चैटिंग से छत्तीसगढ़ बन जाएगा, ताकि इस ट्रिक में राज्यों के भी नाम डाल दिए गए ताकि याद रहे आपको कि छत्तीसगढ़ की ट्रिक है। अच्छा एंगर से क्या हो जाएगा, एंगर से बन जाएगा कांगेर घाटी, कांगेर घाटी यानी कांगेर वैली। तो तीन नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ से याद हो गए एक आसान सी ट्रिक से, कि गुरु घासीदास इंद्रावती को चैटिंग करते देख एंगर हो गए, है ना, बिल्कुल सोनम निम्बल। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही एक एक चीज जो है कि मैं आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स हम लोग ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और आपको मैं आज गारंटी देता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे एयरपोर्ट याद करा दूंगा। बस एयरपोर्ट से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी एग्जामिनेशन में टपक पड़ता है, बस आपको याद रखना है कैसे कैसे, जो महापुरुष जहां से डिपेंड कर जो है निर्भर करता है वहीं पे उसका जो है एयरपोर्ट है, बस आप ध्यान देना। देखो जैसे बेंगलोर के संस्थापक थे कैंपे गौड़ा, तो बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है कर्नाटका के बेंगलोर का एयरपोर्ट वो कैंपे गौड़ा एयरपोर्ट है वहां का नाम। अच्छा कोलकाता के थे बंगाली हमारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो बंगाली थे तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे, कोलकाता में। हैदराबाद में जो है कि शहीद हुए थे हमारे राजीव गांधी जी, तो राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो है हैदराबाद में। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ थे, ये गुजराती थे, तो गुजरात के अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट का नाम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। क्लियर है? अच्छा चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का मुंह भी नहीं देखा, इन्हीं के बर्थडे पर किसान दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के पुत्र हैं चौधरी अजीत सिंह जो है यहां यूपी से। तो लखनऊ जो एयरपोर्ट है, जो अमौसी एयरपोर्ट है लखनऊ का, वो चौधरी चरण सिंह के ही नाम पर है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। अब यहां पे अगली बात करते हैं, गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, तो गुवाहाटी आसाम में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो आपको याद होगा वहां सरदार पटेल भी गए थे, तो बिल्कुल बारदोली जो गोपीनाथ बारदोली जो है एयरपोर्ट कहां पे है, तो गुवाहाटी आसाम में है। क्लियर है?
अब आइए श्रीनगर एयरपोर्ट, तो श्रीनगर में ही है बीजू पटनायक। अभी मैंने आपको बताया कि नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ होगा? उड़ीसा में ही होगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में होगा। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम है, जहां इस बार हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। तो स्टेडियम से भी एक स्टैटिक जीके अगर पूछ लेता है कि कलिंग स्टेडियम कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है कि कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, जहां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे जो है कि आइए फटाफट विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में ही है। उसके बाद बात कर लेते देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की महारानी थी, इनको देवी का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि होलकर समाज, गरेड़िया समाज इनको देवी तुल्य मानता है। औरंगजेब ने जितने मंदिरों को ध्वस्त कराया था उनको बाद में देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही उनका उद्धार किया था, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, वापस से बनवाया था, जिसमें बनारस का काशी का वो ज्योतिर्लिंग भी है जिसे हम लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, वो भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। उसके बाद अगर बात कर ले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जो कर्म स्थली है वो नागपुर में ही है, वहीं इनकी समाधि स्थली भी है नागपुर में ही। नागपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम इन्हीं के नाम पे है, एयरपोर्ट का भी नाम यहीं पे है, इन्हीं के नाम पे। दशहरे के दिन वहां मेला भी लगता है, दीक्षा जब उन्होंने बौद्ध धर्म की ली थी। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। भाई कांग्रेस को सत्ता से पहली बार हराने का श्रेय ही इन्हीं को जाता है। 1975 में इन्होंने किया था जेपी आंदोलन, जिससे कांग्रेस डर गई और इंदिरा गांधी डर गई और उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी और सभी विपक्षियों को जेल में बंद कर दिया। जनता का आक्रोश इतना हो गया इंदिरा गांधी के लिए कि उन्होंने फिर कांग्रेस को वोट नहीं दिया और फिर जयप्रकाश नारायण की जो अध्यक्षता में मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और अगले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई बने थे। तो बिल्कुल ये जो जेपी आंदोलन, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेपी आंदोलन में जितने लोग जेल गए थे उनको हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार लोकतंत्र सेनानी कहते हुए उनको जो है कि पेंशन की भी व्यवस्था कर रही है हरियाणा की सरकार। तो लोकनायक जेपी जो है कि वो कहाँ गए थे? पटना के थे, बिहार के। तो पटना में जो है कि मतलब जेपी आप समझ सकते हो अन्ना हजारे टाइप के थे, अन्ना हजारे टाइप के। अब आइए जो है कि यहाँ पे अगले जो है कि एयरपोर्ट को देख लेते, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। तो गुरु रामदास जी एयरपोर्ट कहाँ पे है? वो अमृतसर में। गुरु रामदास जी ये वही शख्स हैं जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था, तो अमृतसर के जो एयरपोर्ट का नाम है, जहां गोल्डन टेंपल है, वो गुरु रामदास जी के ही नाम पे है। कांडला क्या है? कांडला भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इस कांडला पोर्ट का, देखो कांडला एयरपोर्ट का ना तो कांडला एयरपोर्ट है, लेकिन कांडला पोर्ट जो भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया। ये भी बात आपको याद रखना है, दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। और एक चीज और याद रखिएगा, मुगल सराय जंक्शन का नाम भी दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन रख दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई थी और जहां उनका जन्म हुआ था आगरा मथुरा के बीच में, फरे रेलवे स्टेशन, उसका नाम दीनदयाल धाम रखा गया। याद रखिएगा फरे रेलवे स्टेशन है उसका नाम दीनदयाल धाम, धाम याद रखिएगा, और रेलवे जंक्शन है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन याद रखिएगा। सोनारी तो जमशेदपुर झारखंड में, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा रांची झारखंड में। मुंडा जो आदिवासी समुदाय है वो झारखंड में रहता है। बिल्कुल अभी यहां से आदिवासी का जो मंत्री हैं हम लोगों के भारत के, अर्जुन मुंडा साहब, वो ये झारखंड से खुंटिया से ही चुन के आते हैं। तो मुंडा से आप याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा कहां, झारखंड की जो राजधानी है, रांची एयरपोर्ट का नाम है। बिरसा मुंडा बहुत ही यंग एज में जो है शहीद हो गए थे, अंग्रेजों से लोहा लिया था जंगली और जंगल की जीवन को बचाने के लिए। आइए फटाफट हम लोग यहाँ पे अगले एयरपोर्ट की जो है कि बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8-10 एयरपोर्ट यहाँ पे और हैं, आइए फटाफट बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और नया रायपुर का नाम क्या रख दिया गया है? नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद याद रखिए पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में सजाए काला पानी की सजा दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा सेल्यूलर जेल में। तो वीर सावर जी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको डबल उम्र कैद की सजा दी गई थी, इस बार उनको भारत रत्न भी दिए जाने की बात चल रही है। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां पे है? अंडमान और निकोबार में है। क्लियर है, अंडमान निकोबार में तीन द्वीप भी बदले गए, कौन कौन से? रॉस आइलैंड का नाम बदल के बोस आइलैंड कर दिया गया है ना, और कौन कौन सा था? रॉस आइलैंड था और
देखो मुझे याद नहीं आ रहा, एक स्वराज था, स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया है, हैवलॉक आइलैंड का नाम, हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है, रॉस आइलैंड का नाम बोस आइलैंड रख दिया गया है ना, और एक नील आइलैंड है, नील आइलैंड है, नील द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया, क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप। तो बोस से रोस याद कर लोगे, स्वराज चार अक्षर का है, हैवलॉक चार अक्षर का है, और नील भी दो अक्षर का है, नील से शहीद, नील शहीद, नील शहीद। तो इन तीन आइलैंड के भी नाम बदले गए थे, क्यों बदले गए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र ने 1943 में ही आजाद करा लिया था आजाद हिंद फौज के माध्यम से और जापान की मदद से अंडमान निकोबार को आजाद करा लिया था, इसलिए 150 फीट का तिरंगा भी इस बार वहां फहराया गया और जो है वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, यहां पे देखिए 1943 और यहां पे 2018, तो बिल्कुल 2018, तो यहां पे जो है कितने साल हो गए, यहां पे 75, तो 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। बात यहाँ पे समझ में आ रही, बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट है, ये भी नाम बदले गए याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात कर लें उदयपुर राजस्थान की, तो उदयपुर राजस्थान में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है भाई, उदयपुर के ही थे हमारे महाराणा प्रताप। अच्छा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देहरादून में जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, इसका नाम किस के नाम पे रख दिया गया, अटल जी के नाम पे रख दिया गया, ये भी याद रखिएगा। गोरखपुर में जो एक एयरपोर्ट है उसका नाम महायोगी गोरखनाथ रख दिया गया है, ये भी लेटेस्ट चेंज हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है बनारस जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो इसलिए यहां से एक क्वेश्चन आया था इस बार कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पे है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट है यहां से, तो ये जो है दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करा दी है मोदी जी ने, वहां पे प्रधानमंत्री हैं, वहां के सांसद भी हैं, तो याद रखिएगा वाराणसी में, और यहां लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था, तो इसलिए क्वेश्चन भी बना था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण अभी मोदी जी ने कहां किया था। तो मैंने आपको बताया था सिलेबस में कि वाराणसी से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी न्यूज बन जाए, तो उसको रट लेना। जैसे इस बार प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में मनाया गया, भारत का पहला मल्टी मॉडल वाटर पोर्ट भी वाराणसी में जो है खुला है, भारत का पहला फ्रेट विलेज भी वाराणसी में बनाया गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में मोदी जी ने 3 गांवों को गोद लिया था, जयापुर, नागेपुर और ककरहिया, वो सारी चीजें आपको वाराणसी से रिलेटेड याद रखनी होगी। वाराणसी को जापान के क्योटो शहर की तर्ज पे बसाए जाने की भी पूरी प्लानिंग है, तो क्योटो उसकी सिस्टर सिटी है। अच्छा, अगरतला वाला, तो अभी मैंने क्वेश्चन में भी बताया था कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहां है, अगरतला त्रिपुरा में, क्लियर है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली और रिलेट करके पढ़ने में आपको याद रह जाएगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, अगर मजा आ रहा है तो, अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल यहां पे आपको शेयर बनता है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग यहीं पे आज जो है कि सेशन को यहां पे विराम देते हैं, क्योंकि अब टाइम जो है बहुत ज्यादा हो गया है, तो आइए जो है कि यहाँ पे जो है कि घंटी भी बज रही है कि सर समय हो गया है, तो आज मैं भावनाओं बह गया, हम लोग को ज्यादा पढ़ा दिया, लेकिन ठीक है, अगले एक सेशन में बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडीज, और आप भी कुछ सुझाव दीजिएगा, शो खत्म होने के बाद आप कमेंट में लिखिए कि सर आपको और कौन कौन से चीजों की जानकारी चाहिए और कौन सी क्लास में ऐड करूं, क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से ही चीजों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको शो कैसा लगा बिल्कुल बहुत बढ़िया बताइएगा, और यहां पे आप अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, और सिलेक्शन इस बार लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए लगे रहिए रात को 12 बजे, बिल्कुल जुड़िए हम लोगों के साथ, लाइव जुड़िए, ताकि जो है कि हम लोग भी आपस में बात कर सके, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। Two stars on your shoulders are better than millions in the sky. क्या आपके अंदर जज्बा है एक आर्मी ऑफिसर बनने का? क्या आप में जुनून है एयरफोर्स पायलट बनके आसमान को छूने का? चलो एक नेवी ऑफिसर बनते हैं और करते हैं समुंदर से बातें। डिफेंस के हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अड्डा 24/7 लेके आ रहा है आपका अपना डिफेंस अड्डा। तो
गाइस, हो तैयार। हाउ द जोश।